पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार का फरमान आया है। सरकार ने फैसला किया है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर घर नलका जल योजना का काम पूरा नहीं करने वाले मुखिया को पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। निकाय चुनाव में किस्मत अजमाने वाले जनप्रतिनिधि भी काम अधूरा रहने पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसको लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर मुखिया ने काम नहीं किया तो चुनाव नहीं लड़ सकते। भारतीय पंचायती राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने नीतीश कुमार के उस पर मान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले सीएम नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने 15 साल में क्या काम किया। नल जल योजना पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सही फैसला लिया लेकिन लापरवाह है और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता का बयान कि सीएम नीतीश कुमार का सराहनीय कदम है, समाज में एक सही संदेश जाएगा, साथ ही जिम्मेदारी भी तय होगी। नल जल योजना पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की बनती है तो क्या वो भी अयोग्य है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर आरजेडी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि क्या आरजेडी देश विरोधी ताकतों की फंडिंग चुनाव लाइन से लड़ना चाहता है। सुशील मोदी ने ट्वीट के बाद विपक्षी दलों पर पलटवार किया। आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सुशील मोदी जी जो बातें कर रहे हैं वो चुनाव आयोग का काम है। सुशील मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता माधव आनंद का पलटवार। सुर्खियों में बने रहने के लिए कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते रहते हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी के बयान पर बीजेपी नेता अरविंद सिंह की प्रतिक्रिया, कांग्रेस आरजेडी की संस्कृति में ही देश विरोधी ताकतों से गठजोड़ करना है। सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी नेता अजय यादव का बयान, आरजेडी जनाधिकार वाली पार्टी, आरजेडी को किसी भी वैसाखी की जरूरत नहीं, चंद पैसा करके बीजेपी लड़ती है चुनाव।